हेलो, आप सगळा किसान साथी रूम मारा चैनल स्मार्ट एजुटेक माते स्वागत है। जो को भी किसान साथी नया हो बे मार चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ने प्रेस कर दो। आज मैं आपने बताऊंगा कपास के बारे में, कपास की फसल किन टाइम बुआई रहे, कई टेम्परेचर रहो सही जे, कई ब्रांड आवे और आप अच्छी पैदावार की कर ले सका बिन बारे में। तो मित्रों, सब पहला मैं आपने बताऊँ कि कपास जो को एक खरीफ की फसल है और कपास से बुआई रो टाइम है जो को मई स्टार्टिंग रिया करे और कुछ किसान है जो को लास्ट वीक अप्रैल द लास्ट वीक में भी बुआई करे, वो तो अपन मत निर्भर करे कि कुछ किसान पहला खेत बुआई स्टार्ट कर दे तो ज़्यादा पीवण रहे तो कवर हो जाए करे। इन अलावा मौसम माते भी डिपेंड रिया करे। तो इन कपास की फसल एक खरीफ की फसल है जिनमें टेम्परेचर करीब 25-35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहे जब तक कपास की पैदावार अपना अच्छी ले सका। तो मई स्टार्टिंग बुआई रिया करे और इन अलग अलग ब्रांड आया करे, जैसे नरमा है, बोलगार्ड सेकंड है, बीटी, अलग अलग कंपनियाँ रहा है, जैसे अंकुर है, अजीत है, क्रिस्टल सरपास है, राशि है, अलग अलग ब्रांडिंग आया करे। और अगर अपना इनमें जो को भी जैविक खाद रहे जैसे गोबर खाद ने का तो पैदावार बढ़िया रहे, और इनमें फर्टिलाइजर जैसे DAP है या पोटास है वो भी बीजाई में दिया करा तो अच्छी पैदावार वास्ते और कपास की ग्रोथ वास्ते दिया करा। सब पहला अपन जिन टाइम 25-35 डिग्री तापमान रहे उन टाइम बुआई करा तो अच्छो हो गया करे और ग्रोथ लिया करे। और कपास मेन सूती वस्त्र वास्ते काम आया करे, जिनमें रॉ मटेरियल वास्ते काम आवे। और जिन टाइम तापमान कम रहे या 20 डिग्री नीचे तापमान जाया करे नहीं तो इनमें कीट भी लाग सके, इन वास्ते नई टेक्नोलॉजी जैसे BT बेसिलस थ्रुजेंसिस बीज आयो है जिनमें कीट प्रतिरोधक क्षमता रिया करे। फिर भी अगर तापमान डाउन में जावे नहीं तो लाग सके कीट, इन बारे में अपन की नहीं कह सके। और कपास की पैदावार जिन टाइम अपन बुआई लेन कपास तुड़ाई तक देखा तो 5-7 महीना तक लाग जावे। और इन्हें जो भी दूसरी बार पिलाई है, तीसरी बार पिलाई, इनमें अपन और भी ग्रोथ रेगुलेटर दे सका जिन्हों अपन ने अच्छो फायदो मिल जाए अगर जो को गोबर खाद नहीं यूज में ले बने। और इन्हीं औसत एवरेज पैदावार करीब 3 क्विंटल लेन 8 क्विंटल तक प्रति बीघा भी रिया करें। तो किसान साथियाँ, कई जना रो वीडियो में कमेंट आता कि आप कपास बारे में बताओ, काफ़ी साल लगा कपास बुआई नहीं करी यार। तो इनमें आपने आज में बताया। इन अलावा कई जना कमेंट है भी आ रही है कि की कंपनी रो बीज बुआई करा, तो आपने मैं बता दूँ कि अलग अलग कंपनियाँ रो आया करें, जैसे राजस्थान में भी अलग अलग एरिया में अलग अलग रिकमेंडेशन है कि BG फर्स्ट है, BG सेकंड है, कुछ नरमो ही पाया करें। तो इनमें अलग अलग ब्रांडिंग में टॉप कंपनियाँ का बीज है, जैसे क्रिस्टल सरपास 7007 है या 72 इगोत्र है, वेराइटियाँ हैं इनमें। राशि में है जेट है, राशि 134 BG सेकंड, बिनो भी अच्छो रिजल्ट है। और 776 है, 773 और 605 नंबर वेराइटी है राजस्थान में रिकमेंड करी हुई है। इन अलावा अंकुर जय BG सेकंड है, अजीत 155 है, और भी काफ़ी सारी कंपनियाँ आवे दीपकरा है, तो ये अपन यूज ले सका। तो जो को भी साथी वीडियो देख रही है वे जरूर चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ने प्रेस कर दो। आगे मैं आपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अपने किया एरिया में क्यों बीज वैरायटी भावा तो बढ़िया पैदावार ले सकूँ। थैंक यू।